हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है क्रॉप फ्लावर, जिसको आप गोभी बोलते हैं। उसकी खेती आप कैसे करते हो, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, कैसी इसकी जलवायु होती है, मिट्टी होती है, या कैसे आप इसकी सिंचाई रोपाई और जो होते हैं निराई गुड़ाई आप कैसे करते हैं। तो जो फूल गोभी होता है, इसका जो हमारे जो लाइफ में जो हमारे ये इम्पोर्टेंट होती है, जो ये क्या होती है सब्जी में ज़्यादा आप इसका यूज़ करते हैं, अचार बनाने में भी करते हो, तो ये भी बहुत से तरीक़ों में आती है। इसकी भी बहुत बहुत सी किस्में होती हैं जिसके अकॉर्डिंग आप फूल गोभी को करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, फूल गोभी होती क्या है, खेती कैसे की जाती है। तो इसका इंट्रो है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ ए, तो इसमें है जो फूल गोभी ब्रेसिका ओलेरेसिया भारत की सबसे महत्वपूर्ण सब्जी फसलों में से एक है। फूल गोभी के खाने योग्य भाग को दही के रूप में भी आपको फूल गोभी के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें सोट एनरोइड ब्रोच एक्सपेसिस और ब्रेड्स के साथ एक छोटा सिस्टम होता है। इस सब्जी का जो खाने योग्य हिस्सा होता है वो खरीदी गई सब्जी का लगभग 45% होता है। खाना पकाने के बाद इसमें विटामिन सी की स्थिरता में प्रोटीन और अजीब गरीब जो गुण होते हैं वो आ जाते हैं। यह पोटेशियम, सोडियम, लोहा, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि खनिजों में समृद्ध होती है। जो आपकी फूल गोभी होती है, जो हमारे भारत में सबसे महत्वपूर्ण एक सब्जी के तौर पे मानी जाती है, जो फूल गोभी होती है वो खाने योग्य जो भाग होते हैं उसको आप फूल गोभी के रूप से भी जाना जाता है। इसमें बहुत सी किस्में होती हैं जिसके अकॉर्डिंग होता है। जब आप फूल गोभी बनाते हो तो उसके कुछ खाना पकाने के बाद, जैसे कि आपकी उस किस्में जो विटामिन सी होती है वो स्थिरता में रुक जाती है, और उसके बाद जो भी उसके जो गुण होते हैं वो भी स्थिर रहते हैं, जैसे कि उसमें पोटेशियम, सोडियम, लोहा, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि जो खनिज तत्व पाए जाते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू पाई जाती है, वो इसके अकॉर्डिंग रहती है। देन नेक्स्ट आता है, इसमें फूल गोभी की बड़ी मात्रा में उत्पादक करने वाले जो कुछ राज्य होते हैं, मतलब फूल गोभी की कुछ जो हमारे स्टेट होते हैं उसमें ज़्यादा खेती की जाती है, तो वो कौन कौन से हमारे जो स्टेट होते हैं, वो आपका एक तो उत्तराखंड होता है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा और कर्नाटक, ऐसे ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर फूल गोभी की बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है, और उसके ही अकॉर्डिंग यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इस यहाँ पर इस स्टेट में सबसे ज़्यादा आपको फूल गोभी की खेती का आपको प्रोसीजर मिलेगा कि फूल गोभी जो की खेती होती है वो सबसे ज़्यादा इन क्षेत्रों में की जाती है। देन नेक्स्ट आता है जलवायु और मिट्टी। इसमें क्या होता है, गोभी समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय भागों से प्रचलित विविध जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल में से एक विस्तृत श्रृंखला होती है। मतलब जो गोभी होती है ये इसकी ये मौसम के अकॉर्डिंग जो जलवायु होती है, सर्दी और थोड़ा हल्की गर्मी में इनके जो भाग के जो जलवायु होती है उसके परिस्थिति के अनुकूल एक विस्तृत श्रृंखला होती है, जिसमें कि जो पौधे होते हैं जिसको आप युवा पौधे बोलते हो, उनका जो डेवलपमेंट होता है उनके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग लगभग 23 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग किया जाता है। देन उसके बाद, लेकिन बाद के जो चरण होते हैं उसमें 17 से 20 डिग्री सेल्सियस सबसे अनुकूल होता है। मतलब जब उसका टेम्परेचर होता है तो 23 डिग्री सेल्सियस पर होता है, लेकिन बट बाद में जब कुछ चरण स्टेप स्टार्ट होते हैं तब उनका 17 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस सबसे अनुकूल होता है। जो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं, ये जब इनकी खेती की जाती है तो जब उनका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस पर भी इनका डेवलपमेंट दिखाई देता है तो तब भी इनका डेवलपमेंट किया जा सकता है जो गोभी होती है। उसके बाद जो समशीतोष्ण क्षेत्रों में भी इसका जो रोपाई भी की जाती है तो इसका विकास बंद हो जाए, उसका डेवलपमेंट बंद हो जाता है जब इसका टेम्परेचर OOC के बराबर में बारे में थोड़ा होता है, तो तब इसका डेवलपमेंट दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो आता है इसमें जबकि जो हमारा उत्तर प्रदेश होता है उसके जो मैदानी इलाके होते हैं या उन्हें जो अन्य जो भी उष्णकटिबंधीय जो भाग होते हैं उनमें उगाई जाने वाली जो शुरुआत होती है वो कल्वर में होती है, और उसका जो डिग्री टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस या अभी भी उच्च टेम्परेचर पर बढ़ा सकते हैं, जिसमें 50 डिग्री सेल्सियस से या से लेकर 28
या 30 डिग्री सेल्सियस तक के जो नीचे के जो टेम्परेचर होते हैं, जो वनस्पति से लेकर कर्विंग जो चरण के जो संक्रमण के लिए आवश्यक होते हैं, जो गोभी की खेती की जाती है, जो यहाँ पे दही लिखा है ना, ये गोभी है, गोभी की खेती के लिए आवश्यक इष्टम से अधिक या कम तापमान पर शारीरिक विकार का कारण भी हो सकता है, मतलब जो इसमें जो बीमारियां आ जाती हैं उनके लिए भी हो जाता है। चावल की जो सब्जियां होती है पत्तेदार या जो भी होते हैं, इसमें वो अंधेपन की भी शिकायतें आने स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट आता है मिट्टी की स्थिति। मिट्टी की स्थिति में क्या होता है, जो आप फूल गोभी जबकि जब आप खेती करते हो तो उसमें एक मिट्टी की भी स्थिति को ध्यान में रखकर की जाती है। तो जो फूल गोभी होती है वो फूल गोभी को इस प्रकार की मिट्टी में अच्छी उर्वरकता और अच्छे शासन के साथ उगाया जा सकता है। हल्की मिट्टी में पौधे सूखे के लिए सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं, मतलब जो फूल गोभी होती है उसकी मिट्टी में की जो उर्वरकता अच्छी होनी चाहिए, अच्छी उपज होनी चाहिए और उसके शासन के साथ ही उगाया उसको जाता है। जो हल्की मिट्टी होती है उसके पौधे सुखाने के लिए सबसे अधिक जो संवेदनशील होते हैं, और इसलिए क्या होता है, जो पर्याप्त नमी की आपूर्ति महत्वपूर्ण होती है। शुरुआती जो फसलों के लिए हल्की मिट्टी पसंद की जाती है, जबकि दोमट मिट्टी मध्य जो मौसम होते हैं उसे देसी पकने वाली किस्मों के लिए अधिक उपयुक्त है। कुछ क्या होते हैं, मौसम के अकॉर्डिंग जो होती है हमारी फूल गोभी की उपजाऊ करते हैं, तो उसमें क्या रखते हैं, हम ये देखते हैं कि जब हमें जो हमारी देसी जो किस्म है कुछ पकने वाली होती है तो उसकी भी मिट्टी की एक महत्वपूर्ण होता है। जब एक मध्यम मौसम आता है वो देर से पकने वाली जो किस्म होते हैं उसके लिए दोमट मिट्टी जो होती है वो बहुत लाभदायक होती है। उससे क्या होती है, जो उसकी फसल होती है उसकी जो उर्वरक क्षमता होती है वो बढ़ जाती है और जो उत्पाद जितने भी उससे क्या होता है उस पर जो उसको न्यूट्रिशन वैल्यू इन मिट्टी के थ्रू मिलती है और वो अच्छे से प्रोसीजर करती है। देन इसमें क्या होता है, फूल गोभी बोरन और मेलिबेंडम की कमी के लिए अपेक्षाकृत अधिक संवेदनशील होती है और इसमें मैग्नीशियम की उच्च आवश्यकता है। मैग्नीशियम की कमी एसिड मिट्टी में जल्दी से प्रकट हो जाती है क्योंकि हाई पीएच बोरन की उपलब्धता कम करता है। मतलब जब आप फूल गोभी की जो आप मिट्टी होती है या आप उसको बोते हो तो उसमें जो है फूल गोभी में बोरन और मेलिबेंडम की जो कमी होती है उसके लिए अपेक्षाकृत वो अधिक संवेदनशील होती है, क्योंकि इसमें जो क्या होता है, इसमें जो कैल्शियम मैग्नीशियम होता है क्योंकि उसकी क्या होती है उच्च आवश्यकता होती है, और जब मैग्नीशियम की कमी आ जाती है तो ये जो एसिड होता है वो मिट्टी में जल्दी से ही प्रकट हो जाता है, मतलब जल्दी ही आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो हाई पीएच बोरेन है उसकी उपलब्धता क्या होती है कम होती है। एसिड तो बहुत जल्दी, जितने एसिड जल्दी से प्रकट होता है तो ऐसे ही हमारी जो बोरेन है उसकी जो उपलब्धता होती है वो बहुत कम हो जाती है। तो हम फूल गोभी में ये ध्यान में रखकर हम फूल गोभी का निर्माण करना चाहिए या हम किस प्रकार से फूल गोभी को उगा सकते हैं, तो हमें थोड़ी जो मिट्टी होती है उसको ध्यान में रखकर और जो कैसे हम इसको यूज़ में ला सकते हैं, ये छोटी छोटी जो बातें होती हैं हम खेती के टाइम हमको याद रखनी चाहिए और हमें इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। देन नेक्स्ट आता है किस्में। किस्में जो होती हैं वो एक परिपक्वता के समूह के आधार पर जो किस्में की शुरुआत होती है, कुछ किस्में शुरुआत में उगाई जाती है और कुछ किस्में मध्य शुरुआत में। जो मध्य में होती है वो देर से, और जो देर से होती है वो मौसम की जो किस्में की वर्गीकृत की जाती है, मतलब मौसम के अकॉर्डिंग ही इसको वर्गीकृत किया जाता है। जैसे प्रारंभिक किस्म होती है उसमें प्रारंभिक जो किस्में जो शुरू में स्टार्ट की जाती है वो प्रारंभिक कुआरी, पूसा अली, सिंथेटिक पंत गोभी थर्ड जापानी में सुधार हुआ है, ये भी किस्में होती है। जब जापानी में सुधार हुआ था तो पूसा हाइब्रिड 2 आया, फिर पूसा सरद पंत गोभी 4, मिडलेट वेरीज, पूसा सिंथेटिक पंत भ्रू, पूसा सुरभा, पूसा हिमज्योति, पंजाब जॉइंट 35, ये क्या होती है, ये जो किस्में होती है। फिर ये नेक्स्ट होती है देर से आने वाली जो किस्में, इसमें होता है पूसा सनबोल फर्स्ट, पूसा सनबोल K1,
और OT1, तो ये क्या होती है, ये किस्में होती है जिसके अकॉर्डिंग हमारी इसमें जो शुरुआत के टाइम जब हम फसल बोते हैं तो हमें कौन सी किस्म को किस्म यूज़ करनी चाहिए, मध्य में कौन सी किस्म और जो देर में आती है वो कौन सी किस्म होती, हम किस्म के ही अकॉर्डिंग जो उनकी किस्में होती हैं उनके ही अकॉर्डिंग हम फूल गोभी की खेती करते हैं।